अरे नहीं, पर सपोर्ट करते हैं अखिलेश को, देख लीजिए। लेकिन जो गमछा लगा है उतने सही नहीं है वो। नहीं नहीं, वो भी है पर हम अखिलेश के दीवाने नहीं है, पर उनके गवर्नमेंट से जितना अच्छी गवर्नमेंट वो चलाए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोगों यही पुदीना है। मैं भी आज देख लिया, यही पुदीना है भैया। आज गाना बड़ा चर्चित हुआ था, लेला पुदीना लेला पुदीना। अभी बोलते हैं, बोलते हैं ऐसे कि लेला पुदीना ना भैया, हम नहीं बोलते हैं। तो मतलब अपने घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, चुनाव आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज हम खड़े हैं अपने ही जिले, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, और गाजीपुर का ये नंदगंज है। नंदगंज स्टेशन है, इधर से आप देखते हैं, ये गाजीपुर से जो आती है, बलिया से बनारस के लिए जोड़ती है। आपको मैं दिखा दूँ, और लॉकडाउन आज 2 वर्ष हो गया लॉकडाउन को। लॉकडाउन के बाद से फिर से पैसेंजर चलने लगे। कितने लोगों को पता नहीं है कि पैसेंजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कब चल रहा है और क्यों चल रहा है, कहाँ के लिए चल रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के लोगों से मैंने पता किया है तो लगा यूँ है कि पैसेंजर एक ही पैसेंजर जो चल रही है औरिहार से छपरा के बीच में, जो कि 3 बजे यहाँ अब उसका टाइम है 3 बजे। मैंने पता किया तो यही लगा कि यहाँ टाइम होगा 3 बजे, जो कि सीधा लेकर जाएगी आपको छपरा। इधर देख सकते हैं यात्री भी बैठे हुए, बहुत काफ़ी यात्री हैं, और यात्री दो ही जो चल रहे कि यहाँ से औरिहार के लिए जाएगी और औरिहार से छपरा। बनारस बहुत कम जा रही है ट्रेन। आपको मैं बता दूं, कई लोगों को पता नहीं है कि भैया किसी ने कहा कि ट्रेन के बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पैसेंजर भी चलने। अब तक आप देखते होंगे कि सारे ट्रेनों पे स्पेशल कोविड स्पेशल करके चलाया जा रहा है। कोरोना वाले जो भी मामला था उसको लेकर मतलब स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, लेकिन अब आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि अब ट्रेन चलने लगी है। अगर आपको जाना है बलिया, जाना है गाजीपुर, जाना है और गाजीपुर से किसी भी छोटे छोटे स्टेशनों पर, जैसे ले लीजिए कि औरिहार से आप निकलते हैं तो तराव पड़ता है, छोटा स्टेशन है, ऐसे करके तमाम छोटा छोटा स्टेशन है, जिसको सहेणी ले लीजिए, हाल्ट भी बहुत काफ़ी है, फतेहपुर ले लीजिए, साहबाजपुरी ले लीजिए, छोटे छोटे स्टेशन से भी अब गाड़ियाँ चलने लगी हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं, हम नंदगंज में खड़ा है, ये है नंदगंज रेलवे स्टेशन, नंदगंज है, और यहाँ पे लोग अब भीड़ लगाने लगे हैं क्योंकि पैसेंजर चलने लगे। भैया क्या पता है, आपको पता है कब से मतलब ट्रेन चल रही है पैसेंजर? आपको 1 महीने से। भैया 1 महीने से चल रही है, कितनी बार आप सफ़र कर चुके हैं? हो गया होगा 20 बार। 20 बार सफ़र। तो पहले में और आज में जब नया जब से चलने लगी, क्या अंतर आपको लग रहा है? ट्रेन में या प्लेटफॉर्म में? नहीं, पहले ट्रेन में आप बताएंगे। ट्रेन तो अभी 1 महीने से ही चल रही है जी, और सुबह शाम चलती है जी, बस यही है, सुबह शाम चलती है। तो दोनों तरफ जाती है, बलिया के लिए भी जाती है और बनारस के लिए जी, भी जाती है। टाइमिंग क्या है, लोग जानना चाहते हैं टाइमिंग क्या है? टाइमिंग आपका बनारस का जी, और उधर से बलिया के लिए 3 बजे आती है नंदगंज में जी। कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत तमाम दिखाए, अभी पेपर पत्रिका के माध्यम से देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन टूटा पड़ा हुआ जी, था जी। बहुत काफ़ी मतलब टूटा फूटा हुआ था, लेकिन आज रेलवे का तस्वीर ही बदल गया जी, जी। माननीय तो क्या रहा, मनोज सिन्हा जी की देन है जी, गाजीपुर के जो है अब तो राज्यपाल बन गए, जम्मू के राज्यपाल बन गए हमारे मनोज सिन्हा जी जी जी, उन्हीं का देन है। जो भी रेलवे स्टेशन है सब सुंदरीकरण उन्हीं के हाथों हुआ है जी, नेककर कमलों द्वारा जी। अब तो ये 4 लेंथ बन गया, मतलब 4 लाइनें बन गई हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेनें और जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेन नहीं रुक रही है, ऐसा क्यों? क्या यहाँ के लोगों का कुछ मांग नहीं होगा कि यहाँ पर भी रुके, ताकि तमाम लोग जानते हैं? मांग तो है जी, बट अभी स्टॉपेज नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए। अब तो अभी रह को अगर बना है अभी जी, माल गोदाम जो गाजीपुर में माल गोदाम बना था जी, अभी आपके नंदगंज में हो गया है जी, कुछ तो विकास हुआ है यहाँ का, यहाँ के स्टेशन का जी, जी। नहीं पहले में आज में दिख रहा है, दिख रहा नहीं है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि बहुत स्टेशन में सुंदरीकरण हो गया है, बैठने लायक हो गया है जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे जी जी जी। पहले की अपेक्षा आज के अपेक्षा में बहुत का जमीन आसमान का फर्क है। भैया अब चुनाव आने वाला है, चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव की इस बार गवर्नमेंट बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है सही नहीं है। अरे
किस मामले में अभी अभी आप देखे होंगे भारत में नंबर वन बना है उत्तर प्रदेश रोजगार के मामले में। और किसको रोजगार अभी मेरे पास प्रूफ है, कहिए तो मैं दिखाऊं। कागज अब जैसे भी है वो चारों तरफ दिल्ली में नोएडा में आप मेट्रो में बैठते हैं या फिर कहीं बस में बैठते हैं तो चिपकाया गया है कि भारत में नंबर वन है उत्तर प्रदेश रोजगार के मामले में, ले लीजिए चाहे जैसे भी मिले। पर कोई रोजगार तो अभी दिखा नहीं। आखिर किस मामले में महाराज जी, योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी महाराज जी किस मामले में कह रहे हैं कि माननीय योगी जी सिर्फ अभी उनके जिम्मे यही काम रह गया कि 5 साल से सिर्फ नाम चेंज करने का काम है उनको जी। जैसे नंदगंज है इसका नाम कुछ और कर दिए, जैसे मुगलसराय था उसको पंडित दीनदयाल कर दिए, बनारस को क्यूटोक बना दिए हैं, ऐसे ही फैजाबाद को अयोध्या कर दिए हैं, यही सब करने में लगे हैं। उनका कोई नया काम मतलब नहीं, आपके हिसाब से कोई प्रगति नहीं है? कुछ भी प्रगति नहीं है, बस उनके जिम्मे काम ही नहीं, बस नाम चेंज करना है, बस लोगों को इसका मतलब कि अफवाह फैला रहे हैं जो चिपका के पेपर पे चिपकाए जा रहे हैं कि भारत में नंबर वन बन गया उत्तर प्रदेश इस बार जी। 2022 में माननीय अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनेगी 100%। अरे हाँ एकदम बहुमत के साथ देख लीजिए भैया। अब सही है, कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ। मोदी जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मोदी जी अपने समय सही, अपने जगह पे सही है, पर माननीय योगी, लेकिन मोदी जी का भी अगर चेहरा देख लिया जाए, जब नए नए आए तो सभी लोग देखना चाहते थे कि नया चेहरा है, नया कुछ अच्छा काम करेगा। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या किया? बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मोदी जी ने महंगाई तो चरम सीमा पे भले ही है, अभी कोविड वैक्सीन आपको लग रही है 500-800 रुपए की वैक्सीन मुफ्त में लग रही है आपको, तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोरोना था कि नहीं? कोरोना था, कोरोना था। आप कभी किसी को देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। अरे चलिए मैं मान गया, आदमी हमारे आंखों के सामने ही हमारे ही गांव में एक्सपायर कर गए। अच्छा। कोरोना से ही एक्सपायर कर गए, टीचर थे। अच्छा जी। तो उनके मतलब जांच हुआ तो क्या हुआ? कोरोना था। कोरोना जी, जांच किया गया जी। कहीं ना कहीं है भैया, कहीं ना पता है, तभी तो लोगों को ऐसे खबर है कि क्या है कैसे है। और देख लगे महंगाई की बात, तो महंगाई तो जाहिर सी बात है, मोदी तो अपने यहाँ तो नोट छापने की मशीन तो रखे नहीं है कि नोट छापेंगे। क्यों? भारत सरकार में भले ही है। अच्छा, नोट कहाँ से छपता है? भारत सरकार की नोट कहाँ से? उन्हीं के आदेश से छपता है। उन्हीं के आदेश से छपता है। पर क्यों कह रहे हैं कि जब नोट छापने की मशीन नहीं है, क्यों नहीं है? लेखा जोखा होता है ना जी, जो आप स्वर्ण रखते हैं जी, स्वर्ण जी, सोना जी, अब सोना के हिसाब से मुद्रा रहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना कितना घाटे में जा रहा है। घाटे में भले ही जा रहा है, तो भी कहाँ से शेयर मार्केट कितना गिरा है? भले ही गिरा है, पहले बात सुनिए आप, शेयर में मार्केट गिरे या न गिरे, अभी समझ लीजिए 1,35,00,000 जी जनसंख्या है जी, जी। जनसंख्या में समझ लीजिए अगर 1 रुपये भी लोग देते हैं तो 135 करोड़ रुपया होता है जी, भारत की जनसंख्या। अब समझ लीजिए एक वैक्सीन का मूल्य अगर जोड़ते हैं तो 500 से नीचे नहीं होगी, ठीक है जी। अगर मुफ्त में वैक्सीन 135 करोड़ जनता को लग रही है तो उस महंगाई थोड़ा तो बढ़ेगी, फिर ऑटोमेटिक जब अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी तो जी, जी। आ जाएगी। कहीं ना कहीं आप लगता है कि यूपी से नाराज है और भारत सरकार से खुश है जी, जी, जी। कहने का मतलब आपका यही है, 100 बात की एक बात कि आप यूपी से नाराज है, क्योंकि यूपी में कोई काम नहीं हुआ है, बस अफवाहें फैलाई जा रही है कि नहीं यूपी में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तरह तरह की वादे इरादे तो बहुत लोग किए, ये बना देंगे ऐसे, लेकिन बनाया कहाँ है भैया? आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है, क्योंकि आज भी काम धरातल पे है, धरातल पे जब मनोज सिन्हा जी थे तब से ये काम जारी है और आज भी जारी रहेगा। अब देख लीजिए हमारे बीच में दादाजी हैं जो किसी पैसेंजर का इंतजार कर रहे हैं। क्या दादाजी, कब से हैं आप यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। पैसेंजर कब आएगी आपको? 12 बजे अब इस समय 11:50 हो रहा है। यहाँ के स्टेशन कहाँ जाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? अड़िहार जाएंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रामतुल्ला। क्या मतलब अब सरकार किसकी बनेगी? हम क्या जाने, वोट नहीं देते हैं आप? हम वोट देने के किसको वोट देंगे इस बार? अरे भाई हमारे आप देखिए, मतदान आपके मत आप किसी को दान करें, दबाव है क्या किसी का? नहीं ऐसा है कि क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? डरना नहीं है तो फिर क्यों, किसकी सरकार चाहते हैं? आप मालिक हैं, आप राजा किसको चुनना चाहते हैं? अपने राज्य में राजा किसको चुनना चाहते हैं? किसको चुनना चाहते हैं? जी जी, सब काय काय कर देंगे, योगी सरकार फिर बना लेगी, बना ले वो
हम देख लीजिए योगी सरकार बता रहे हैं चाचा जी कि योगी सरकार बना लेंगे, पर गुंडागर्दी के दम पे। हाँ, गुंडागर्दी के दम पे चाचा जी का कहना यही है कि वो गुंडागर्दी के दम पे कोई आवाज उठा रहा है उसको जेल में बंद करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या है हकीकत क्या? हिंदू तो करते हैं तो सही है, कोई बात नहीं। हिंदू तो हिंदू मुस्लिम को रहने का जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मुस्लिम भारत का नागरिक नहीं है। मुस्लिम को निकाल कहाँ रहे हैं? निकाल तो रहे नहीं है, भारत से बाहर कर रहे हैं। भारत से बाहर तो नहीं कर रहे। अच्छा पाबंदियां लगा दिए कि हम दो हमारे दो उसके बाद से कोई नहीं। वो तो सही है, वो तो सही है। जिसका तीन बच्चा होगा तब तो नौकरी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम दो हमारे दो सही है। क्या करेंगे, भारत की आबादी खुद ही इतना जनसंख्या ज्यादा है। अब पता चले कि हर लोग कोई 5 बच्चा पैदा करे, कोई 10 बच्चा पैदा करे, कितना कितना लोग को बताइए कि महंगाई कहाँ से कहाँ। मोदी जी तो आएंगे नहीं, योगी जी तो आएंगे नहीं, इसको तो रोकना आपको आपका काम है। रोकेंगे ना? रोकेंगे। कैसे रोकेंगे आप? बिल्कुल रोकेंगे। गाँव हमारे दो नहीं, ठीक है आप ना समझदार हैं। गांव में आप जाएंगे किसी का ऐसा नहीं कि 3-4 बच्चे नहीं हो। मैं गांव में भी जाके सर्वे करता हूं। अब आज के जनरेशन के हिसाब से सब वही हो रहा है, हम दो हमारे दो। आप कितने बच्चे हैं? हमारे पास एक है। एक है? कितना वर्ष हो गया शादी किए हुए? 5 5 साल में एक बच्चा। आगे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, एक सिर्फ, एक और होगा। चलिए भैया, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के राज्य में मतलब मंत्री मुख्यमंत्री जी का कहना मान रहे हैं कि हम दो हमारे, ये मतलब उनके खिलाफत नहीं काम कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं दादाजी? अरे हमें बहुत ज्यादा हूँ। तभी कितने बच्चे हैं? आदमी से कहा पूछे। अरे तभी कितने बच्चे हैं आपके? नाती पोते कितने हैं बताइए? नाती बताइए कितने नाती हैं आपके? बहुत ज्यादा हैं। अरे तब तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं रह पाएंगे? उत्तर प्रदेश में पहले की जनसंख्या के हैं चाचा जी, पहले कोई पाबंदी नहीं थी। चलिए भैया, देख रहे हैं तरह तरह से है, बहुत कुछ है, तमाम लोग आ गए। ऐसा है कि योगी सरकार जो बाप बन जायी, लेकिन गुंडागिरी से बनी, चाहे जिसे भी बना ले। और क्यों योगी जी आपको गुंडा दिखते हैं? बिल्कुल है, कोई अभी आज की डेट में आवाज उठा रहा है उसको जेल में बंद करवा रहे हैं। सबसे बड़ा गुंडा योगी हूँ। योगी है? और ऐसा मत कहिए, तो जेल चले जाएंगे। जेल चले गए हम तो जेल में जा देंगे। आ जाएंगे तनासाही है, नंदगंज में आ जाएंगे, तनासाही चलाएंगे तो उनको ट्रैक पर ठिकवा देंगे। जितना मुख्यमंत्री हो ना सभी गुंडा। अच्छा, सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। दादा का सीधे कहने का उद्देश्य यही है कि सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं है, लोग कहते हैं कहीं ना कहीं कमी हमारे में है कि हम देखते हैं अभी चुनाव आने वाला है, हम योगी योगी चिल्लाएंगे, कोई आएगा तो अखिलेश अखिलेश चिल्लाएगा, कोई आएगा तो मायावती मायावती चिल्लाएगा भैया, लेकिन सभी एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। देख लीजिए अखिलेश के दीवाने हैं इधर, आप देख सकते हैं, और गमछा लगाए हुए हैं, अखिलेश के दीवाने हैं। लेकिन डर क्यों रहे हैं? अखिलेश के दीवाने नहीं है आप भैया? वो भाग रहे हैं चूंकि गमछा साइकिल वाला। अखिलेश के हम दीवाने नहीं, पर सपोर्ट करते हैं अखिलेश को। देख लीजिए, लेकिन जो गमछा लगाए उतने सही नहीं है वो। नहीं नहीं, वो भी है पर हम अखिलेश के दीवाने नहीं है, पर उनके गवर्नमेंट से जितना अच्छी गवर्नमेंट वो चलाए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोगों को समझते हैं, हर एक जात को समझते हैं। तो कहते हैं कि लोग टोटी चोर है। नहीं नहीं नहीं, जो लोग कहते हैं वो खुद ही चोर है, जो लोग कहते हैं वो खुद चोर है। भैया देख लीजिए, आज मैं रहा नंदगंज में, गाजीपुर है उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा स्टेशन रहा, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी लेना चाह, और यहाँ से लोगों से देख लीजिए मुल्ला जी हैं, क्या हाल है सर आप? बताइए क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, क्या लिए हैं? पुदीना है। पुदीना? अरे पुदीना तो बहुत चर्चित है। देखिए भैया, यही पुदीना है, उत्तर प्रदेश में एक गाना चर्चित हुआ था, ले ला पुदीना ले ला पुदीना। भैया पुदीना क्यों बेच रहे हैं? पुदीना बेचने को नहीं है, खाने को। खाने को, यही पुदीना है, मैं भी आज देख लिया, यही पुदीना है भैया। आज गाना बड़ा चर्चित हुआ था, लेला पुदीना लेला पुदीना। अभी बोलते हैं, बोलते हैं ऐसे कि लेला पुदीना? ना भैया, हम नहीं बोलते हैं। तो मतलब अपने घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है, क्या बताइए? इस बार किसका देखना चाहते हैं, किसको आप राजा बना जाना चाहते हैं? अरे जो राजा है वो राजा ही ना है, जो राजा है वो राजा है। अरे जरूर, अब जैसे में तो बाबा योगी जी हैं। अरे बाबा योगी जी हैं तो वो भी उन ये नहीं, बाबा को क्या मतलब राज की आवश्यकता है? बाबा को तो कहीं घंटे बजाना चाहिए, किसी मंदिर में रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? घरे जाए, कैसे जाएंगे?
कैसे जाएंगे, जब आप हटाएंगे, हम हटाएंगे, वो हटाएंगे, सब लोग हटाएंगे तब न जाएंगे। इसमें आप नहीं कुछ कहेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे भैया, कहीं ना कहीं दिल में डर है। आज कुछ नहीं, मतदान सबका होता है, सबको अपने मत से लड़ना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।